फिल्म बाहुबली में देवसेना का किरदार निभाने वाली सुपरस्टार एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को हुई एक बहुत बड़ी बीमारी। देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी ने खुद पूरी दुनिया को बताया अपनी बीमारी का सच। अपनी बीमारी की वजह से देवसेना को छोड़नी पड़ रही है फिल्में। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है इस फैशन चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। फिल्म बाहुबली, जी हाँ, बाहुबली एक ऐसी फिल्म है जो शायद ही किसी ने ना देखी हो। बाहुबली वो फिल्म है जिसने ना सिर्फ देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में लगभग 1500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। उसी फिल्म में, अगर आपको याद हो, बाहुबली की जो पत्नी का किरदार निभाती है, जो देवसेना बनती है, उसी देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी जो कि साउथ की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और इस बीमारी की वजह से अनुष्का शेट्टी ने अपनी फिल्में भी छोड़ दी हैं। अनुष्का शेट्टी ने खुद पहली बार अपनी बीमारी का खुलासा किया है। कौन सी बीमारी हुई है अनुष्का शेट्टी को और क्या कुछ अपडेट है, कब से वो फिल्मों में वापस ज्वाइन कर पाएंगी, वो सब बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, चैनल में नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, फिल्म बाहुबली ये वो फिल्म है जिसने ना सिर्फ हमारे देश का मान बढ़ाया बल्कि कई लोगों को, ना सिर्फ साउथ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। प्रभास की पत्नी बनती है देवसेना, जो एक राज्य की रानी के रूप में हमें नजर आई, उनके एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब देवसेना, जिनका असली नाम अनुष्का शेट्टी है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है। अनुष्का शेट्टी अब तक अपनी बीमारी को लेकर चुप थी, लेकिन ये पहली बार है जब अनुष्का शेट्टी ने खुद सामने से अपनी बीमारी की बात पूरी दुनिया को बताई है। अनुष्का शेट्टी को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी का नाम है स्यूडो बुल्बर इफेक्ट। अब इस बीमारी में क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल इस बीमारी में अगर कोई इंसान हंसता है तो वो आधे घंटे तक हंसता रह जाता है। अब आप कहेंगे कि ये भी कोई बीमारी है भाई, हंसना तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है, जैसा कि देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी के साथ हो रहा है। अनुष्का शेट्टी का कहना है कि अगर वो कोई मजाक में या किसी जोक में एक बार हंसना शुरू करती है तो वो लगभग आधे घंटे तक हंसती रहती है नॉनस्टॉप। मतलब वो चाहकर भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। और अगर इस बीमारी को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इसी वजह से अनुष्का शेट्टी ने फिलहाल सारी अपनी फिल्मों से ब्रेक ले लिया है। वो किसी भी फिल्म में काम नहीं कर रही है। आखिरी जो अनुष्का शेट्टी की फिल्म थी वो साल 2023 में आई थी। उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म, एक नई साइन जरूर की है, लेकिन उसकी शूटिंग भी शुरू नहीं करी। दरअसल अनुष्का जो देवसेना है, उनका ये कहना है कि जब भी वो फिल्म की शूटिंग पर जाती थी और कोई अगर कोई जोक मार देता था या किसी बात पर अगर उन्हें हंसी आ जाती थी तो वो लगभग आधे घंटे तक नॉनस्टॉप बिना रुके हंसती रहती थी। और इस हंसी की वजह से कहीं ना कहीं आधे घंटे तक वो जो शूटिंग है, फिल्म की शूटिंग, उसको रोकना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं जो अनुष्का है वो भी नहीं चाहती कि उनकी वजह से जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, उनकी फिल्में भी खराब हो, उनका टाइम भी वेस्ट हो, उनका पैसा भी जाए। इसीलिए अनुष्का ने अब फिलहाल कोई भी फिल्म साइन नहीं कर दी है और जो फिल्में साइन की हैं उनकी फिलहाल वो शूटिंग नहीं कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। अक्सर हमने सुना है कि कहा जाता है कि हंसने से आपकी सेहत बढ़ती है, हंसना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हंसना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी हंसी को कंट्रोल ना कर पाए और अगर आप आधे घंटे तक हंसते रहें तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अनुष्का का ट्रीटमेंट चल रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है बाहुबली में बाहुबली का किरदार निभाने वाले जो साउथ के सुपरस्टार एक्टर हैं प्रभास, वो भी कहीं ना कहीं अनुष्का के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि अनुष्का और प्रभास बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो अपनी दोस्त के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं, इस बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और फिर बाहुबली से इनकी जोड़ी को भी, जो बाहुबली और देवसेना थी, इनकी जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। तो अचानक से इस तरह से अनुष्का की बारे में खबर आना, क्योंकि पिछले कई ऑलमोस्ट एक साल से जो अनुष्का है वो कोई भी नई फिल्म साइन नहीं कर रही थी, जब ऐसे में फैंस ने पूछा कि क्यों अब आप स्क्रीन से इतनी दूर हो गई, क्योंकि आपने बहुत अच्छी साउथ में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में अनुष्का ने काम किया है, अपने दम पर फिल्मों को हिट कराया है। तो जब फैंस ने अनुष्का से पूछा कि आखिरकार क्यों आप इतने लंबे टाइम से फिल्मों में काम नहीं करी, तब जाकर हार कर अनुष्का को ये सच पूरी दुनिया को बताना पड़ा। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि अनुष्का जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो एक बार फिर फिल्मों में जबरदस्त कमबैक करें। आज का मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।